गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज मेरा नाम दिलीप कुमार सिंह है और मैं पोस्ट प्रेफरेंस की क्लासेस काफ़ी पैरामाउंट में पहले भी ले चुका हूं और आज भी पोस्ट प्रेफरेंस की क्लासेस, क्योंकि जैसा मैं देख पा रहा हूं अभी सीजीएल के नोटिफिकेशन में आपके काफ़ी पोस्ट प्रेफरेंस की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जो आई है वो नई है, जो आपके लिए काफ़ी दिक्कतें क्रिएट कर रही है। तो इन सारी चीज़ों को आज लेकर के पोस्ट प्रेफरेंस की क्लासेस हम अरेंज कर रहे हैं, जिसमें आपको पोस्ट के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आज मिल जाएगी। पहले तो बच्चों डाउटफुल ये है, जो इस बार सीजीएल 2017 के लिए अपेयर्ड हो रहे हैं स्टूडेंट, सबसे बड़ा डाउटफुल उनको ये है कि वैकेंसी कम है और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स काफी ज्यादा है। आपको पता होगा पिछले साल भी अराउंड 35 लाख से स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे टीयर वन के लिए। उस टीयर वन में वैकेंसी काफी कम थी, लेकिन लास्ट में जाकर के कमीशन ने फाइनली वैकेंसी को इंक्रीज करा था, अराउंड 10,000 के लगभग में वैकेंसीज को करा गया था। इस बार भी वैकेंसीज काफी कम है, इसका पहला तो रीजन क्या है। दूसरी, किस डिपार्टमेंट की वैकेंसी इस बार रिपोर्ट नहीं करी गई है, जीरो वैकेंसी है, उन चीजों को आज हम लेकर के पहले तो गाइडलाइंस देंगे आपको। कुछ नई पोस्ट भी है जो इस बार ऐड करी गई है, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज प्रोवाइड करा दी जाएगी। क्योंकि ये पोस्ट प्रेफरेंस की क्लासेस है, बेसिकली मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जेन्युइनली रैंकर्स बनना चाहते हैं, जो जेन्युइनली लगता है उनको कि बाय हुक और बाय क्रूक उनका सिलेक्शन होना है और उनको एनी हाउ जॉब चाहिए, उनके लिए ये ज़्यादा अफेवल है। बेसिकली अब हमें पता है कि सीजीएल की फॉर्म आ चुकी है, अराउंड 1 वीक निकल भी चुका है आपका, तो आप इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स हमारे, कि प्रेफरेंसेस को किस अकॉर्डिंग हमें अरेंज करें, सबसे बड़ी बात है प्रेफरेंसेस को किस अकॉर्डिंग हमें रखना होगा। तो बच्चों पहले तो मैं आपको ये गाइडलाइंस करूंगा कि आगे काफी बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको फर्दर स्टडी की प्लानिंग होती है, या तो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, या तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपना करियर एसएससी में ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इन सारी चीजों का एनालाइज करने के बाद आज पोस्ट प्रेफरेंस की क्लासेस के थ्रू आपको अराउंड 3 सेशन में हम पोस्ट प्रेफरेंस की क्लासेस रखेंगे, जिसमें 20-20 मिनट के स्लॉट्स में आपको सारी चीजें हम क्लियर कर देंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो कलर ब्लाइंड है या फिजिकली हैंडीकेप्ड है, उनको बेसिकली गाइडलाइंस भी दिया जाएगा कि आप पर्टिकुलर पोस्ट को फिल ना करें, क्योंकि फाइनली जब आप उसके लिए क्वालिफाई करते हैं उस पोस्ट के लिए आपको मेडिकल अनफिट कर दिया जाएगा। तो इन चीजों को हम देखते हुए प्रॉपर पोस्ट प्रेफरेंस की गाइडलाइंस आपको यहाँ प्रोवाइड कराया देंगे। तो पहले आपको ध्यान देने वाली चीजें ये है बच्चों कि टोटल जो आपकी इस बार वैकेंसी आई है वो टोटल है 3805, यानी 3805 वैकेंसी इस बार आई है आपकी टोटल। और मैं आपको बता सकता हूं कि अराउंड, अगर पिछले का मैं रिकॉर्ड लेके चलूं, तो अराउंड पार्टिसिपेट जो स्टूडेंट करेंगे वो अराउंड 40 लाख स्टूडेंट 2017 सीजीएल को पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस 40 लाख में एज ऑफ नाउ वैकेंसी है आपकी 3800। आप स्केयर्ड हैं कि वैकेंसी 3800 है, बट आपको थोड़े देर में क्लियर हो जाएगा कि वैकेंसी 3800 नहीं है। डीओपीटी ने, जो आपकी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग है, अभी वैकेंसीज को अपडेट नहीं करा है बच्चों। इनकम टैक्स और एक्साइज, काफी मिनिस्ट्री है जो मैं आपको बकायदा नाम मेंशन करूंगा, वैकेंसी अभी अपडेट नहीं करी गई है। इस 40 लाख का अगर मैं पैरामीटर लूं तो बेसिकली बच्चों पहला तो आएगा आपका टीयर वन। टीयर वन में अराउंड इतने लाख बच्चे अपीयर्ड होते हैं। जैसे ही टीयर वन बच्चे क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद जस्ट आपका हो जाएगा टीयर टू। अब चूंकि ये 40 लाख से वैल्यू डिक्रेड होते जाएगी, 40 लाख से अगर मैं बात करूं तो इसका 5% से भी कम बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं मेंस के लिए। तो आप 4% यहां लो, अगर मैं पिछले बार का रिकॉर्ड लूं तो अराउंड 1.5 लाख स्टूडेंट क्वालिफाई किए थे 35 लाख में, तो अराउंड 5% स्टूडेंट आपके क्वालिफाई कर सकते हैं, यानी 2 लाख। मैं एक लेके चल रहा हूं, टेंटेटिव है ये चीज। और यहां से आपका मेन गेम स्टार्ट होता है टीयर टू के बाद, कि आगे की आपकी जो प्लानिंग है, इस टीयर टू में आप कितने अच्छे स्कोर गेट करते हैं, ये चीज आपको डिसाइड करेगा डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव ही डिसाइड करेगा कि फाइनली आपको कौन सी पोस्ट के लिए आपको अवार्ड किया जाएगा, या तो इंटरव्यू पोस्ट हो या तो नॉन इंटरव्यू। क्योंकि हमें पता है कि सीजीएल में 2 तरीके की पोस्ट होती है, आपको बता दूं, एक तो आपकी जॉब होती है ग्रुप बी की, दूसरी जॉब होती है आपकी ग्रुप सी की,
ये दो तरीके का आपका जॉब इसमें प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है बच्चों, तो पहले आप ये जान लीजिए कि आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। एग्जाम्स भी अप्रोच कर रहा है सीजीएल के, तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको देखूं तो आपका एग्जाम्स अब चार फॉर्म में हो चुका है। टीयर वन है, टीयर टू है, इसके बाद बच्चों टीयर थ्री भी ऐड किया गया है, दैट इज नोन एज पेन पेपर मोड। पता होगा आपको पेन पेपर मोड, दैट इज डिस्क्रिप्टिव पेपर, ऐसे लेटर राइटिंग आपसे लिखवाई जाती है। और इसकी मार्क्स का मैं अगर वेटेज दूं तो ये आपका होगा 200 मार्क्स का। इसमें आपके दो पेपर हो जाएंगे बच्चों, एक आपका हो जाएगा मैथ्स 200 मार्क्स, एक आपका हो जाएगा इंग्लिश 200 मार्क्स। ये आपको टीयर टू की मैं बात कर रहा हूं। टीयर थ्री की बात करूं मैं तो आपका पेन पेपर मोड होगा जिसमें आपके 100 मार्क्स होंगे। फाइनली वो सारे बच्चे जो आपके डिस्क्रिप्टिव में क्वालिफाई होंगे उनको रखा जाएगा टीयर फोर, जो इस बार सीजीएल 2017 के एग्जाम्स में काफी रोल प्ले करने वाला है। टीयर फोर की मैं बात करूं तो दैट इज फॉर द कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट सीपीटी, और मैं बोल सकता हूं टाइपिंग स्किल, टाइपिंग स्किल। इसके बाद आपकी फाइनली मेरिट लिस्ट बनेगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बेसिकली 40 लाख जो स्टूडेंट हैं, 200 नंबर का पेपर है, और इसके लिए आपको टाइम जो मिला है 60 मिनट का, इन पे ज्यादा आपको कॉन्सेंट्रेट करना होगा। बेसिकली मैं बोलना ये चाह रहा था कि आपकी जो चार सब्जेक्ट्स है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस, टाइम कम है, आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि इन कम टाइम में हम किस तरीके से सब्जेक्ट को टैकल करें। तो बेसिकली आपका जो वेटेज होगा इक्वली वेटेज लेके चलना पड़ेगा आपको सारे सब्जेक्ट्स का। क्योंकि अगर मैं बात करूं, एग्जांपल अगर ले लो आप बच्चों, तो मैथ्स हो गया हमारा 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, इंग्लिश एज इट इज, आपका जीएस या जीए आप बोल सकते हैं जनरल अवेयरनेस एज इट इज, और एक आपका है रीजनिंग। रीजनिंग को अगर मैं बोलूं तो ये भी आपका है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। क्योंकि आपको पता है बच्चों पिछले साल का जो हमारा कट ऑफ था वो था 137.5, जो कि बेसिकली जनरल कैटेगरी का था। ठीक है, बट मैं ये बोलूंगा कि पिछले साल में भी जो बच्चे 137, 138, 139 तक लाए थे उनका भी सिलेक्शन नहीं होगा। इस कट ऑफ से कम 10 से 15 मार्क्स ज्यादा होने चाहिए अगर मैं इस पैरामीटर को लेके चलूं। तो सपोज आप तीन सब्जेक्ट को तो अच्छा कर लिए, जीएस पे आपने ध्यान नहीं दिया, अल्टीमेटली होगा क्या कि ये आपका जीएस और जीए फाइनली आपका सिलेक्शंस में हर्डल्स बन जाएगा। किस तरीके से, मैंने देखा 50-50-50, 150 नंबर, आपकी एक्यूरेसी इतनी स्मार्ट नहीं है कि आप 150 में 150 नंबर लाए। आप, मैं मानू तो 150 में आपने बहुत मैथ्स और इंग्लिश, मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश में अच्छे हैं आप, इंग्लिश में वैसे भी आपके नंबर 40 मैक्सिमम होते हैं, तो आप यहां से अराउंड 130 नंबर ला सकते हैं। इसके बाद भी मैं बोल सकता हूं कि 130 मार्क्स इसको टैली नहीं कर रहा। तो बच्चों अल्टीमेटली ये है कि आप जीएस में जितना नंबर लाएंगे दैट विल गोना हेल्प यू इन द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, और यही जीएस पेपर आपके टीयर टू में भी काम करेगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपका पूरा चार्ट है। तो बेसिकली अभी आपको फोकस करना है 100% टीयर वन पे, उसके बाद टीयर टू के लिए आगे हम आपको स्ट्रेटजी बताएंगे क्या करना होगा। ठीक है, और आपको वीडियोस के थ्रू अपडेट करी जाएगी। अब चूंकि बात होती है, काफी मैंने कॉमेंट्स भी देखे हैं स्टूडेंट्स के, जिसमें काफी स्टूडेंट डाउटफुल है कि वैकेंसी कम करी गई है, बीजेपी और कांग्रेस अच्छी पता नहीं क्या है बच्चों को, बट आपको इतना गिवअप नहीं करना है। वैकेंसी कम नहीं करी गई है दोस्त, वैकेंसी अपडेट नहीं करी गई है। किस तरीके से, आपको मैं यहाँ पे एक चार्ट ड्रॉ करूंगा, आप समझ पाएंगे कि वैकेंसी अभी कितनी आने वाली है। दोस्तों यहाँ पे कुछ पोस्ट है जिसकी वैकेंसी येट नॉट रिपोर्टेड है, आप देख लेंगे। इस तरीके से
पहले तो आप समझ लीजिए, यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूं तो जो आपके जॉब्स हैं इनको तीन कैटेगरी में, ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ए बी सी और डी। ठीक है, इन तीन कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट है ए, क्योंकि इसका अरेंजमेंट इसलिए करा गया है क्योंकि ए अगर मैं बोलूं तो अभी सीजीएल में सबसे बड़ी पोस्ट की जो जॉब है आपके पास वो है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, अकॉर्डिंग टू द ग्रेड पे, इन दोनों की ग्रेड पे आपकी 4800 है, आगे आपको पता चल जाएगा। तो इसके अंदर ए ग्रुप्स के अंदर दो पोस्ट को ऐड किया गया है, ऑडिट और अकाउंट। बी की बात करूं मैं बच्चों, तो इसके अंतर्गत आपको 20 पोस्ट ऐड करा गया है। बी के अंदर सारे इनकम टैक्स, एक्साइज, प्रिवेंटिव और असिस्टेंट की जॉब इसमें ऐड करी गई है। सी के अंदर मैं अगर बात करूं तो इसके अंदर आपके मात्र एक पोस्ट है, आपको पता होगा, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। और लास्ट है आपका डी, जिसके अंतर्गत सारी ग्रुप सी की जॉब ऐड करी गई है, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं तो टोटल आपकी जॉब है 9। इस तरीके से टोटल आपके पोस्ट इस बार अवेलेबल हैं 32 डिपार्टमेंट के लिए, ये आप बोल सकते हैं मिनिस्ट्री, 32 आपके पोस्ट ऐड किए गए हैं। वैकेंसीज जो इस बार रिपोर्ट नहीं करी गई है उनका एक बार डिटेल्स हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर अगर मैं दूं बच्चों, आप बकायदा नोट भी कर सकते हैं क्योंकि ये आपके अभी काम तो नहीं आएंगे प्री में, बट जैसे आपका क्वालिफाई होता है प्री, उसके बाद मेंस में फिर आपसे एक लिस्ट भरवाई जाएगी, तो ये आपको दैट विल गोना हेल्प यू। ठीक है, इसमें आपका जो डिटेल्स है कुछ इस तरीके से है। पहले तो इनकम टैक्स, वैकेंसी नॉट रिपोर्टेड, जीरो है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है आपका सीबीडीटी के लिए काम करती है और अभी तक इसकी वैकेंसी अपडेट नहीं करी गई है। तो फाइनली डीओपीटी टीयर 2 से पहले आपकी वैकेंसी इनकम टैक्स का अपडेट कर देगा। इसके बाद मैं बात करूं बच्चों तो आपका एक्साइज इंस्पेक्टर, इसकी भी वैकेंसी अभी तक येट नॉट रिपोर्टेड है, ये आपका सीबीएसई के लिए काम करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में डिटेल्स। तीसरी आपका जॉब है एक प्रिवेंटिव ऑफिसर, वैकेंसी इसकी भी अभी नहीं है, प्रिवेंटिव ऑफिसर भी आपका सीबीएसई का ही पार्ट है, एक्साइज एंड कस्टम। फोर्थ अगर मैं बात करूं तो आपका यहाँ पे एसआई इन एनआईए, दैट इज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इनकी भी वैकेंसी इस बार अपडेट नहीं करी गई है। फिफ्थ नंबर पे हमने रखा है असिस्टेंट इन एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इसकी भी वैकेंसी इस बार रिपोर्ट नहीं करी गई है, असिस्टेंट इन एमईए, अभी ये डिपार्टमेंट ने, मिनिस्ट्री ने इसका भी वैकेंसी अपडेट नहीं किया है, तो डीओपीटी फाइनली आपकी वैकेंसीज को अपडेट कर देगा। इसके अलावा कुछ और भी पोस्ट है, मैं बात करूं तो आपका एग्जामिनर, एग्जामिनर ये भी आपके सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम के लिए काम करते हैं, वैकेंसी इनकी भी अभी तक नहीं करी गई है रिपोर्टिंग। देन इंस्पेक्टर CBN, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, वैकेंसी जीरो। दो पोस्ट और है बच्चों, टैक्स असिस्टेंट CBEC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, एंड टैक्स असिस्टेंट CBDT। ये इतने सारे पोस्ट है जिनकी वैकेंसी जीरो बताई गई है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं 6 नंबर इसको दे दीजिए, 7, 8 और ये हो जाएगा आपका 9। ये 9 पोस्ट है, इसके अलावा एक न्यू पोस्ट ऐड हुई है बच्चों, असिस्टेंट इन अदर मिनिस्ट्री, वैकेंसी नॉट रिपोर्टेड, असिस्टेंट इन अदर मिनिस्ट्री, वैकेंसी नॉट रिपोर्टेड। तो 10 पोस्ट ऐसे हैं जिनमें वैकेंसी अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया है। इन चीजों को अगर मैं देखूं तो मैं बोल सकता हूं कि लास्ट
10 11 12 13 14 15 16 यानी लास्ट के अगर मैं 6 से 7 साल का रिकॉर्ड देखूं तो एक्साइज इंस्पेक्टर अकेला ऐसा पोस्ट है जो आपके टोटल वैकेंसी 3805 के बराबर या 4000 के बराबर वैकेंसी क्रिएट करता है। क्योंकि डीओपीटी ने अपने वायदे पे आए हैं, एसएससी अपने वायदे के अकॉर्डिंग उन्होंने एक पर्टिकुलर डेट दिया कि बच्चों इस पर्टिकुलर डेट में हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, जो कि उसने कर दिया। बट डीओपीटी ने अभी एक्साइज डिपार्टमेंट जो हमारा है उसके अंतर्गत जाकर के उसकी वैकेंसीज को क्लैरिफाई नहीं करा है, तो ये चीजें आपको थोड़े टाइम बाद क्लियर हो जाएगी। प्रिवेंटिव सेम वैसे ही, इसकी भी वैकेंसीज आपकी आएगी। इनकम टैक्स जो आपका मोस्ट प्रेफरेबल जॉब है, वैकेंसी अल्टीमेटली इसकी भी 500 to 600 रहने वाली है। एसआई ने ना, ये आपको पता है, ये टीम 2008 के बाद बनी थी मुंबई अटैक के बाद, सब इंस्पेक्टर होते हैं ना, ये वैकेंसी इनकी भी जीरो है, तो इनका भी वैकेंसी 10 to 15 अराउंड हो सकती है। असिस्टेंट नेवी की वैकेंसी भी आएगी आपकी। एग्जामिनर आपको पता होगा, आप इसको मोस्ट प्रेफरेबल देते हैं, इनकम टैक्स से भी पहले इसका पोजीशन आप अरेंज करते हैं, तो इसकी भी वैकेंसी इस बार बच्चों जीरो है, क्योंकि डीओपीटी ने इसकी वैकेंसीज को अभी क्लैरिफाई नहीं करा है। फाइनली मिनिस्ट्री जा करके डीओपीटी चेक करेगी और वैकेंसीज को फाइनल किया जाएगा। इंस्पेक्टर ऑफ सीवीएन सेम वैकेंसीज इसकी आनी है। तो ये सारी पोस्ट है जिनके वैकेंसीज अभी आने बाकी हैं। कुछ वैसे भी पोस्ट है जिनकी वैकेंसी आ चुकी है बट कम आई है, उनकी भी वैकेंसी आपको बढ़ के आगे दिख जाएगी। तो इस तरीके से आपको गिव अप नहीं करना है, वैकेंसीज आएगी, बहुत खूब वैकेंसीज आएगी, आपको एक अपने सीट के लिए फाइट करना है। मैंने बोला बाय हुक और बाय क्रूक, अगर आप जेन्युइनली कैंडिडेट हैं, बहुत प्रिसाइज, बहुत ही स्मार्ट स्टडी अगर आप कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन डन है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद बच्चों आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस की क्लासेस है, अब आपको मैं वन बाय वन पोस्ट लेके चलूंगा कि किस पोस्ट को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, किस पोस्ट को सेकंड प्रायोरिटी देना है, किसको थर्ड देना है और किसको लास्ट देना है। हालांकि ये अभी काम नहीं करेगा, आपके टीयर वन के बाद काम करेगा, इसका ग्रुप्स आपको काम करेगा कि ए ग्रुप्स के पोस्ट को पहले डाले, बी को डाले या सी को डाले या डी को डाले। अभी आप बस इतना ही देखेंगे कि हाँ पोस्ट प्रेफरेंस की क्लासेस आपके करियर को कैसे डिसाइड करती है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इससे पहले दो तीन चीज और मैं गाइड करूंगा आज, चूंकि मैं बताऊं तो आज 22 मई है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आपके एग्जाम्स के अराउंड 2 months और 10 days और ज्यादा ले लीजिए, 2 months 10 days बचे हुए हैं, यानी अराउंड 60-70 days आपके एग्जाम्स के बचे हुए हैं। इस 60-70 days के टारगेट को आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, बेसिकली मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस, इन सब का इक्वल वेटेज आपको लेके चलना पड़ेगा अगर एग्जाम्स को क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप चलेंगे कि अभी जो आपका सिलेबस रिमेनिंग है, 1 month तक, 1.5 months तक आप कंप्लीट अपना सिलेबस करिए, और उसके बाद पर डे, यानी जब एग्जाम्स से 30 days रहते हैं, आप पर डे एक मॉक टेस्ट लगाएंगे, एक या दो भी लगा सकते हैं। और वो मॉक टेस्ट अगर मैं बात करूं, सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट लगाना चालू किया, संडे को तो हम लगाते ही हैं जो हमारा रैंक डिसाइड करता है, तो मान लो हमने 40 मॉक टेस्ट दिया। ठीक है, 40 में अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो आपका 100 क्वेश्चन होते हैं एक मॉक टेस्ट में, तो बच्चों इसके थ्रू आप अराउंड 4000 क्वेश्चन के टच में होंगे, यानी 4000 क्वेश्चन के टच में होंगे। यानी फायदा ये होगा आपको कि एसएससी कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर करके आपको देती रहती है, और जो हम पैरामाउंट के मॉक टेस्ट में एज इट इज सेट करते हैं, तो ये चीज आप पैरामाउंट साइट से या पैरामाउंट कोचिंग से भी आप इसकी मॉक टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही रामबाण की तरह काम करेगा। रही अब पोस्ट प्रेफरेंस की क्लासेस की, तो आप चूंकि पता है कुछ न्यू पोस्ट भी आपके ऐड किए गए हैं, इस न्यू पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो पहले तो बच्चों आप ध्यान देंगे,
यहाँ पे मैं ग्रुप्स लेके चल रहा हूँ। फाइनल आपको पता चलेगा कि आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस का ऑर्डर होगा किस तरीके से आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो इस ग्रुप्स को अगर मैं लेके चलूँ पोस्ट प्रेफरेंस की, तो आप बच्चों ये देखेंगे कि फर्स्ट मैंने यहां पे ग्रुप ए का नाम दिया, ग्रुप ए, ग्रुप ए। इसमें आपके दो पोस्ट रिपोर्ट किए गए हैं। फर्स्ट तो आपका है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बेसिकली ये कैग के अंतर्गत आते हैं, कंप्यूटरोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो बच्चों आपको पता भी होगा इस बार अभी फिलहाल में इनके नए चेयरमैन विनोद राय को अपॉइंट किया गया, पहले शशिकांत शर्मा जी थे। तो ये आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर्स है, कंप्यूटरोलर एंड ऑडिटर जनरल के लिए आपका काम करता है। अब चूंकि एक चीज और है बच्चों कि इस पोस्ट के लिए काफी कंफ्यूजन है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का क्या सेंस बनता है, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको क्लियर कर दूंगा, इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए सभी लोग एलिजिबल है, चाहे कोई भी क्वालिफिकेशन हो, एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो या आपका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन हो। बेसिकली हम देखते हैं वांछनीय योग्यता, आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो बच्चों पहले तो आएगा आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ठीक है, जिसमें आपका एनी ग्रेजुएट, यानी अगर आप साइंस है, कॉमर्स है, इंजीनियरिंग है, जो मैक्सिमम होते हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे मैं भी इंजीनियर हूं, तो एनी ग्रेजुएट आपका ये होगा एसेंशियल क्वालिफिकेशन। बच्चों सबसे बड़ा डाउटफुल है कि यहां तो आपको समझ में आ जाता है कि ये एनी ग्रेजुएट है, अब एक कंडीशन उसने दे दिया है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, दैट इज वांछनीय योग्यता। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो केवल यही अप्लाई करेंगे, जिसमें कुछ नाम मेंशन है इस प्रकार से, सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी का किसी ने कोर्स कर रखा हो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट का कोर्स कर रखा हो, मैं बात करूं बच्चों तो चार्टर अकाउंटेंट का कोर्स कर रखा हो या एमकॉम कर रखा हो। इसके अलावा बच्चों यहां पे और भी है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, मास्टर इन बिजनेस स्टडीज अगर आपने किया हो, या आपने मास्टर इन इकोनॉमिक्स करा हो, ये सारे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के थ्रू आपको वहां पे स्टेट प्रेफरेंसेस में काम आएगा। अब चूंकि कंडीशन से यहां डाल दिया गया कि एनी ग्रेजुएट भी है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, तो इससे आपको गिव अप नहीं करना बच्चों। एनी ग्रेजुएट दे दिया, बस दिमाग में डाल लो कि सब लोग एलिजिबल हैं, चाहे कोई भी स्ट्रीम का बच्चा है वो एलिजिबल है, साइंस आर्ट्स ग्रेजुएट होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन बेसिकली इसका काम आपके स्टेट प्रेफरेंसेस में ज्यादा होगा, कल को जाके आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है, ये पोस्ट मिल जाती है जो आपके कैग के अंतर्गत 4800 ग्रेड पे, और इसकी ग्रेड पे 4800 है, जो हमारे पे बैंड 2 के अंदर आते हैं, पे बैंड 2। और इस तरीके से इनकी बेसिक की अगर मैं बात करूं तो आगे आप 9300 से लेकर के 34800 इनकी आपकी बेसिक पे होती है इस जॉब के लिए। तो बेसिकली एनी ग्रेजुएट इस पोस्ट को अप्लाई करेगा, आपको टोटल ये सब्जेक्ट्स जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन दिए गए हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट, कंपनी सेक्रेटरी आपको यहां मेंशन है, वही आपका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, जिसके थ्रू आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके स्टेट प्रेफरेंसेस में ये काम आएंगे। और इसका कोई वास्ता नहीं है, या कुछ केसेस में अगर कैंडिडेट के मार्क्स क्लैश हो जाते हैं, दो कैंडिडेट्स के मार्क्स सेम आ जाते हैं, जिसके पास भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है उसको ये पोस्ट अलॉट कर दी जाएगी, और कोई वास्ता नहीं है। बट कुछ कंडीशन यहां पे दिया गया है कि इस पोस्ट के लिए हमें पता है टीयर वन तो क्वालिफाई करना मैंडेट है ही, टीयर वन यानी 200 नंबर का, टीयर टू में मैथ्स और इंग्लिश तो क्वालिफाई करना है, 22243600 का हो गया, 200, 2400 और 2600। इसके बाद बच्चों टीयर टू के अंदर एक आपका पेपर होगा, पेपर फोर, जो आपका पर्टिकुलरली इकोनॉमिकी एंड गवर्नेंस का होगा,
जिसका वेटेज होगा 120 मार्क्स का, और एक होगा आपका फाइनेंस एंड अकाउंट्स जिसका वेटेज होगा 80 मार्क्स का। यानी टोटल मैं बोलूं तो पेपर फोर आपका कितने हुए 200 मार्क्स के, 600 तो आपने दिया ही, प्लस 200 नंबर आपका स्पेशलाइजेशन यानी डबल एओ के पेपर हुए 800 नंबर, प्लस आपका अलग से 100 नंबर का डिस्क्रिप्टिव टीयर थ्री जो सबको देना है। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपको 900 मार्क्स का पेपर देना होगा। क्लियर, तो ये आपका पूरा इस तरीके से क्वालिफिकेशन है, ठीक है। इसी ग्रुप में एक और पोस्ट को ऐड किया गया है, बाकायदा मैं ज्यादा काम नहीं करने वाला, यहाँ पे मैं बस ऑडिट को चेंज कर दूंगा और ये हो जाएगा अकाउंट। सब कुछ सेम है, दिमाग में डालो, डिटो सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बट फाइनली सिलेक्शन के बाद बच्चों एक दिक्कत आती है कि आपका ये पोस्ट तब तक अलॉट नहीं होगा जब तक आप ACS को क्वालिफाई नहीं करते हैं, दैट इज सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विस के एग्जाम्स को। तो सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विस के एग्जाम्स को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसमें 8 to 9 पेपर होते हैं जो आपको 2 ईयर के अंदर अपियर्ड होना पड़ता है आफ्टर प्रोबेशन पीरियड। तो इसके बाद मैं अगर बात करूं, इनके बच्चों में डाउट है कि अगर कल को जाके फेल हो गया तो बच्चों दोबारा चांस मिलेगा, फिर तीसरा चांस मिलेगा, फिर यार तो मैं बोलूंगा आप वहां तक पहुंच के क्या कर रहे हो, तैयारी आपने करके सब कुछ क्वालिफाई कर लिया, इकोनॉमिक गवर्नेंस को क्वालिफाई कर लिया, पढ़ लो वहां पे, हो जाएगा आपका सिलेक्शन डन, इतना टफ नहीं है। मेरे काफी मित्र हैं जो इस पोस्ट पे हैं, तो अगर आप 2 साल कॉन्शियसली आप तैयारी कर रहे हैं देन आपको ये पोस्ट अलॉट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप इस पोस्ट को, अगर आपकी प्रेफरेंसेस है, क्वालिफिकेशन आपने देख ही लिया, अगर आपको लगता है ACS क्वालिफाई कर लेंगे, इसमें आपका अच्छा कमांड है, तो आप इसको ए प्रेफरेंसेस यानी फर्स्ट नंबर पे प्रेफर करेंगे, सेम फॉर द अकाउंट, ठीक है। इस तरीके से आपका ये पोस्ट क्लियर हुआ। ओके, तो बच्चों सारी चीजें आपको क्लियर होगी डबल ए के बारे में, बकायदा आप इसको फर्स्ट प्रेफरेंसेस अपना रखेंगे। सेकंड चीजें ये थी कि आपको प्रमोशन एस्पेक्ट्स की बड़ी ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, तो ये चीज भी आप जान लीजिए। डबल ए एक गैजेटेड पोस्ट है 4800 ग्रेड पे, नॉन मिनिस्ट्रियल, जैसे ही प्रमोट होंगे आपका प्रमोशन, अगर मैं बात करूं तो अराउंड 4 to 5 इयर्स में आप बन जाएंगे ऑडिट ऑफिसर, देन सीनियर ऑडिट ऑफिसर, देन डिप्टी ऑडिटर जनरल, देन आगे आप हाईएस्ट तक जाएंगे, हालांकि पॉसिबिलिटी कम होती है, बेसिकली ये सिविल सर्विस के बच्चे यहां तक जाते हैं। असिस्टेंट ऑडिट जनरल आपका एक पोस्ट और भी होता है, और ये आपका होता है ऑडिटर जनरल, ठीक है। इस तरीके से अकाउंट की बात करूं तो अकाउंट ऑफिसर, सीनियर अकाउंट ऑफिसर, डिप्टी अकाउंटेंट जनरल एंड देन अकाउंटेंट जनरल, ये आपका प्रमोशन एस्पेक्ट्स है, ठीक है। अब हम जानेंगे ग्रुप बी के पोस्ट के बारे में, जो सारे बच्चों का मोस्ट प्रेफरेबल जॉब है, इनकम टैक्स एक्साइज एंड प्रिवेंटिव, पता होगा आपको। तो चूंकि अब थोड़ा जान लेते हैं इनके बारे में, तो बच्चों मैं पोस्ट प्रेफरेंस में एक ऑर्डर भी मेंटेन करूंगा, और यही ऑर्डर आपके फाइनली पोस्ट प्रेफरेंस में काम आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो हमने 2 पोस्ट को लिया, तीसरे नंबर पे मैं ग्रुप बी की पोस्ट की अब बात कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसके अंतर्गत कितने पोस्ट है बच्चों, 20 है ना। इस 20 पोस्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट आएगा आपका एग्जामिनर। तो आप ध्यान देंगे बच्चों, एक डिपार्टमेंट है, मैं यहीं पे ड्रॉ कर देता हूं, CBEC, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, ठीक है। इस सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम के अंतर्गत अराउंड 3 to 4 पोस्ट CGL के अंदर अवेलेबल होते हैं। एक तो आपका एक्साइज, जो एक्साइज डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, एक्साइज इंस्पेक्टर है, आप इसको बोल सकते हैं सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर। सेकेंड इज प्रिवेंटिव ऑफिसर्स, जो कस्टम के अंतर्गत आता है, और थर्ड वन इज एग्जामिनर, ये CBEC के पार्ट है। अब चूंकि बच्चों हमें यहाँ पे एग्जामिनर्स को तीसरे नंबर में प्रेफरेंसेस देते हैं, आप कोड इनका बकायदा एक बार नोटिफिकेशन के थ्रू चेक कर लेंगे ग्रुप बी के अंतर्गत एग्जामिनर। बेसिकली ये पोस्ट एक ऐसी होती है जो आपको लाइफ टाइम कोस्टल रीजन में ही रहना पड़ता है, 11 कोस्टल सिटीज। बेसिकली गर्ल्स के डाउट होते हैं कि आगे मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, तो बकायदा अगर आपको सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, आपके फैमिली वाले आपको कोस्टल एरिया से अलाउ नहीं करते हैं, तो बकायदा इस पोस्ट को आप फिल नहीं करेंगे, 11 कोस्टल सिटीज। सेकेंड चीज है,
इसको प्रेफरेबल इसलिए दिया जाता है क्योंकि एक सोल अथॉरिटी है, जब भी ये कोस्टल कोस्टल के एरिया के अंदर होता है तो बेसिकली ये सोल अथॉरिटी की तरह काम करता है। जो इसकी डिपार्टमेंट है रेवेन्यू है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ये आता है। बात करो इसकी प्रमोशन एस्पेक्ट्स की, तो आप फर्स्ट तो एग्जामिनर होते हैं, इंस्पेक्टर एग्जामिनर जो आपका ज्वाइनिंग हुआ 4600 ग्रेड पे पे एग्जामिनर। इसके बाद जैसे ही आप प्रमोट होंगे तो यहाँ पे बन जाएंगे आप अप्राइजर। अप्राइजर के बाद जैसे ही आप प्रमोट करेंगे, यहाँ पे आपकी ग्रेड पे 4800 होती है, बन जाएंगे आप असिस्टेंट कमिश्नर। असिस्टेंट कमिश्नर के बाद आपका एडिशनल कमिश्नर, फिर आप ज्वाइंट कमिश्नर हो जाएंगे। इस तरीके से आपका प्रमोशन एस्पेक्ट्स होता है एग्जामिनर का। तो प्रमोशन एज कम्पेयर टू द अदर पोस्ट सबसे फास्ट प्रमोशन एग्जामिनर के होते हैं। तो इन चीज को ध्यान में रखते हुए हमने इसको प्रेफरेंसेस 3 नंबर पे दिया है। बट ये जॉब का नेचर जो है वो हैक्टिक है। जब भी आप हेड क्वार्टर में रहेंगे तो क्लैरिकल काम होती है, बट जब भी आप कोस्टल एरियाज में होते हैं तो आपको आपकी ड्यूटीज जो होती है वो हैक्टिक होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एग्जामिनर्स को थर्ड लिया। टाइम को देखते हुए बच्चों सेशंस को हम सॉर्ट कर रहे हैं ताकि आपको चीजें आगे चल करके ज्यादा मोनोटोनस ना हो, ज्यादा टाइम टेकिंग ना हो, और भी काफी इंफॉर्मेशन है जो आपको आगे चल के अपडेट करी जाएगी। एग्जामिनर के बाद अगर मैं बात करूं तो चौथे नंबर पे आईटीआई यानी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। बच्चों पता है, पहले तो एक चीज आपको मैं बता दूं कि वो सारी जॉब जिनकी ग्रेड पे 4600 है, ग्रेड पे 46, जिनकी बेसिक मैं बता रहा था आपको 93 से लेके 34800 है, उन सब की अपर एज लिमिट 30 हो गई है, यानी 30 साल तक आप एलिजिबल हैं अगर जनरल कैंडिडेट है। जनरल है तो कितने, 30 साल। ओबीसी है तो आपको बता दूं आज से चाहे यूपीएससी हो चाहे एसएससी हो, जनरल केस में अगर आप 3 साल की एक्सटेंशन करते हैं तो ये हो जाते हैं ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, और अदर बैकवर्ड क्लास के एज में अगर आप 2 साल का एक्सटेंशन करते हैं तो ये हो जाते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, दैट इज फॉर द 35। जिनकी 4600 ग्रेड पे उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 35 साल तक। वैसे ही कुछ ऐसे भी मेरे पास केस आते हैं कि विडो है, एस्पिंस्टर है जिनने कुआरी है शादी नहीं करी, या डिवोर्स्ड है, तो इनका एज जो होता है बच्चों 35 ईयर जनरल के अकॉर्डिंग। इस तरीके से आपका एज का क्राइटेरिया है। आगे मैं फिजिकली हैंडीकेप्ट का भी एक क्लियर कर दूंगा, बट पहले इनकम टैक्स की मैं बात कर रहा था। तो इनकी ग्रेड पे 4600 है और ये ग्रुप सी के जॉब है। बेसिकली एक सर्विस मैन यहाँ पे ध्यान देंगे, वो सारे एक सर्विस मैन जो या तो इंडियन मिलिट्री से या तो इंडियन आर्म फोर्स यानी पैरामिलिट्री से रिटायर्ड हैं। बेसिकली इस पोस्ट को भरेंगे क्योंकि उनके पास केवल ग्रुप सी के ही जॉब होते हैं जो भर पाएंगे, वो बी के जॉब को प्रेफर नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपका इनकम टैक्स है। इनकी प्रमोशन की अगर मैं बात करूं तो आप बनेंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर फर्स्ट आपको, देन आईटीओ इनकम टैक्स ऑफिसर, देन आपको मिलेगा असिस्टेंट कमिश्नर, देन फिर आगे आपको ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, कमिश्नर। इस तरीके से आपका इसका प्रमोशन एस्पेक्ट है, बट थोड़ा स्लो है एज कम्पेयर टू एग्जामिनर, ठीक है। और बेसिकली आपकी जो जॉब नेचर होती है उसमें आप सीबीडीटी के लिए काम करते हैं, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसका मतलब आपने अगर इकोनॉमिक्स की क्लासेस अटेंड करी होगी तो इसका मतलब ये हुआ, सीबीडीटी का मतलब कि इंसिडेंट एंड, ये चीज बाद में आपको बता देंगे, इसको मिटा देता हूं मैं, इंसिडेंट एंड इंपैक्ट ऑन सेम पर्सन, यानी आप इसका नाम भी हम दे सकते हैं इंसिडेंट एंड इंपैक्ट ऑन सेम पर्सन, यानी पर्सनल इनकम पे आपके जो टैक्स लगते हैं, जो टैक्स की वसूली करता है वही होता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत डिपार्टमेंट इसकी होती है रेवेन्यू, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आपके आते हैं। ठीक है, तो आप इसको
आप फोर्थ नंबर पे प्रेफरेंसेस रखेंगे, दैट विल गोना हेल्प यू. आगे इसकी पावर काफी है. बेसिकली जो आपका जॉब नेचर होगा, जब भी आप ऑफिस में होते हैं तो क्लेरिकल आपको जॉब करना होगा, बट जब भी आपको बाहर फील्ड वर्क मिलेगा तो आपको रेड्स मारना होता है, टैक्स इन्वेडर से डील करना होता है. ठीक है, तो ये आप फोर्थ पोजिशन पे रखेंगे. फिफ्थ पोजीशन जो बच्चों आपका होगा, उसमें मैं अगर आपको बात करूं तो आप यहाँ पे एक पोस्ट है असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर. आप बकायदा इस पोस्ट के लिए जाएंगे क्योंकि ये इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के लिए काम करता है. प्रवर्तन निदेशालय, आपने नाम सुना होगा, ईडी डिपार्टमेंट. जो बेसिकली काम इनका होता है, उस सारे करप्ट लोग जिनने करप्शन के केस में फंसे हुए हैं, जैसे विजय माल्या और भी सारे, बिना नाम लिए मैं बताना चाहूंगा, इनके पीछे इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट पड़ी हुई है जिनका असिस्टेंट उनको चेक कर रहा है. अगर वो कोई भी मिनिस्ट्री करप्ट केस में पकड़ी जाती है तो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट उस पर अपना सर्विलांस लगा करके उसको आइडेंटिफाई करता है. फिफ्थ पोजीशन इसलिए रखा है क्योंकि ये जॉब का जो नेचर है, थोड़ा प्रमोशन इसकी फास्ट है और ये जॉब आपका लुक्रेटिव जॉब है, पावर और प्रेस्टीज वाली जॉब है. तो बाकायदा इस पोस्ट को आप फिफ्थ नंबर पे डालेंगे प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग. इसकी अगर मैं प्रमोशन बात करूं तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर बन जाएगा आपका 5 to 6 ईयर्स में. इन्फोर्समेंट ऑफिसर के बाद जैसे ही आपका नेक्स्ट प्रमोशन होगा बच्चों, आप बन जाएंगे असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर देन डिप्टी डायरेक्टर. आगे ऐसे प्रमोशन आपके डायरेक्टर तक जा सकते हैं. प्रवर्तन निदेशालय का आपने नाम सुना होगा, ये बेसिकली जॉब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ही आती है, मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू का ही पार्ट है. ठीक है, तो इस तरीके से ये पोस्ट को हमने खत्म किया. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सेवंथ नंबर पे बच्चों, तो आप सेवंथ नंबर पे असिस्टेंट इन एमईए को ले सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. और बच्चों अब मैं जितनी भी असिस्टेंट की जॉब बताऊंगा, बेसिकली वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर. ठीक है, तो आप ध्यान देना, असिस्टेंट इन एमईए क्या होगा, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर. प्रमोट होने के बाद बच्चों क्या बनेगा, तो ये बनेगा सेक्शन ऑफिसर. सेक्शन ऑफिसर के बाद क्या होता है बच्चों, तो ये बनेगा अंडर सेक्रेटरी. फिर बच्चों तो फिर हो जाएगा आपका एडिशनल सेक्रेटरी, बच्चों ज्वाइंट सेक्रेटरी. इसके पहले भी, एडिशनल सेक्रेटरी के पहले एक और पोस्ट मैं बोलूं तो आपको इस पर कंफर्म करा देता हूं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यूएस. यूएस के बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा ऑर्डर गलत है, अंडर सेक्रेटरी देन डिप्टी सेक्रेटरी, उसके बाद आपका आपका ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, जितनी भी प्रेफरेंसेस है इस तरीके से. यानी आप दिमाग में डालेंगे कि जितनी भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जॉब होती है, यानी असिस्टेंट की जॉब होती है, इनका प्रमोशन कुछ इस तरीके से होता है. तो बेसिकली आप कंसीडर्ड ये करेंगे, हमारे दिमाग में ये होता है कि असिस्टेंट की जॉब बच्चों जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का ग्रेड पे है ना 4600 रुपए, जो एक्साइज का ग्रेड पे है ना 4600 रुपए, एज इट इज इनका भी ग्रेड पे होता है. ठीक है, तो बकायदा एक इक्विवेलेंट लेवल का जॉब है. फायदा ये है गर्ल्स के लिए कि वो जितनी भी प्रेफरेंसेस आप असिस्टेंट की फिल करते हैं, तो आपके चांसेस ऑफ पोस्टिंग कैपिटल में होते हैं, यानी आप सिविल सर्विस की तैयारी इसके द्वारा कर सकते हैं. ठीक है, इस तरीके से आपका हुआ. सेवंथ नंबर अगर मैं बात करूं तो आपका असिस्टेंट इन रेलवे, इसका भी प्रमोशन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सेक्शन अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, आगे आपको एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी डायरेक्ट, फिर सेक्रेटरी आपका हो जाएगा. एट नंबर पे डालू मैं तो असिस्टेंट इन, अगर मैं बात करूं बच्चों तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो. बेसिकली काम होता है कंट्री की पीस एंड इंटरनल इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं बाय काउंटरिंग टेररिज्म. ठीक है, 8-9 नंबर की मैं बात करूं तो आप ले सकते हैं यहाँ पे असिस्टेंट इन CSS. चूंकि पता है बच्चों ये दिल्ली बेस्ड जॉब है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस की जॉब है, केंद्रीय सचिवालय में आप काम करेंगे. बेसिकली जॉब नेचर इनका होता है, कुछ मिनिस्ट्री होती है, इलेक्शन कमीशन की बात कर लिया मैंने, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग की मैं बात करूं, और भी सारी चीजें, अगर हम RTI फाइल करते हैं उसका रिप्लाई, तो सारी एडमिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं. ठीक है, इस तरीके से 10 नंबर की मैं बात करूं तो आपका है असिस्टेंट इन लिक्स, ले सकते हैं अदर मिनिस्ट्री. अब बच्चों
अदर मिनिस्ट्री के नाम से तीन पोस्ट इस बार ऐड करी गई है, असिस्टेंट इन अदर मिनिस्ट्री ग्रेड पे 4600। एक पहले से ही इसका और नाम है असिस्टेंट इन अदर मिनिस्ट्री, अब उसकी ग्रेड पे थोड़ी अलग है, आप समझ लो एक इंस्पेक्टर है और एक सब इंस्पेक्टर है इस तरीके से 4200 ग्रेड पे। 13-12 नंबर पे अगर मैं बात करूं तो एक बच्चे और भी जॉब ऐड करी गई है असिस्टेंट इन अदर मिनिस्ट्री 4600 ग्रेड पे। इसके अंतर्गत पांच अलग अलग मिनिस्ट्री को स्पेसिफाई किया गया असिस्टेंट इन अदर मिनिस्ट्री, जिसका कोड आपको अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं ये सिंबल है आपका ग्रेटर देन, तो ये कोड के अकॉर्डिंग आप इसको फिल करेंगे। इसमें पांच अलग अलग मिनिस्ट्री दी गई है, इलेक्शन कमीशन भी है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग भी है इसके अंतर्गत, ये सारी मिनिस्ट्री इसके अंतर्गत, ठीक है। अब चूंकि बच्चों 13 नंबर की मैं बात करूं तो असिस्टेंट इन अदर मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही आपका एक और जॉब ऐड है और इसकी भी ग्रेड पे 4600 है। पांच मिनिस्ट्री है बकायदा, ये चीज आपको पोस्ट प्रेफरेंस के अंतर्गत काम आएगी, जो आगे हम गाइडलाइंस करेंगे कि वो पांच मिनिस्ट्री जो आपको दी गई है उनकी प्रेफरेंसेस आपकी किस ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, ठीक है। 14 नंबर पे आपका जो होगा वो पोस्ट होगा असिस्टेंट की जॉब हमने कर दी, अब थोड़ा मैं इसको मिटा दूंगा, इसके बाद नेक्स्ट में आगे जब बढ़ूंगा तो यहां से आपका एक्साइज एंड कस्टम स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि एग्जामिनर के बारे में आप जान चुके हैं जो कस्टम का पार्ट होता है, कस्टम डिपार्टमेंट का, ठीक है। उसी प्रकार आपका ग्रुप बी का पार्ट जो है हमने 14 पोस्ट को कंप्लीट किया। 15 नंबर की अगर मैं बात करूं तो ये आपका होगा एक्साइज इंस्पेक्टर। बच्चों पता है मैंने आपको बोला कि जितनी इस बार सीजीएल की वैकेंसी आई है 3805 या समथिंग अराउंड 4000, एज इट इज सेम वैकेंसी एक्साइज इंस्पेक्टर लेके आता है। दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इज वर्क फॉर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पार्ट है। किसके लिए काम करता है ये? एक्साइज डिपार्टमेंट के लिए। और चूंकि बच्चों मैंने आपको पहले बताया था इनकम टैक्स के टाइम में कि इंसिडेंट और इम्पैक्ट ऑन द सेम पर्सन, सेम उसका अपोजिट है इंसिडेंट एंड इम्पैक्ट ऑन द अदर्स, यानी आप डायरेक्टली टैक्स पे नहीं करेंगे, टैक्स जो वेंडर है उसके थ्रू टैक्स पे करता है, यानी इसको मैं बोल सकता हूं तो सोर्सेज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एक्साइज इंस्पेक्टर, ठीक है। इसकी भी एज 30 हो चुकी है, जितनी भी ग्रेड पे 4600 वाली जॉब है सबकी एज 30 हो चुकी है। अब मैं बात करूं इसकी ग्रेड पे की तो 4600 है और इसकी प्रमोशन एक तरीके से हम देख लेते हैं तो आपका जो एक्साइज इंस्पेक्टर है वो प्रमोट होता है तो फर्स्ट ये बनेगा आपका सुपरिटेंडेंट, यहां से हम ले सकते हैं एक्साइज, हालांकि प्रमोशन इसकी स्लो है। देन आपका हो जाएगा असिस्टेंट कमिश्नर, देन बच्चों आप आगे बढ़ेंगे असिस्टेंट कमिश्नर के बाद तो हो जाएगा आपका डिप्टी कमिश्नर एंड सो ऑन, इस तरीके से आपका प्रमोशन एस्पेक्ट से, बट थोड़ा स्लो है, एक्साइज को सुपरिटेंडेंट बनने के लिए अराउंड 8 years लग जाते हैं क्योंकि इसकी वैकेंसी ज्यादा है और ऑलरेडी जो कैंडिडेट्स पिछले 4-5 साल में सीजीएल एक्साइज के अंतर्गत काम कर रहे हैं उनका पहले स्लॉट होगा फिर नए कैंडिडेट्स को लिया जाता है, तो इस तरीके से आपका एक्साइज का पूरा है। बेसिकली ध्यान आपको रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है जो रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है, ठीक है। एक्साइज आपका क्लियर हुआ। 16 की मैं बात करूं तो आपका हो जाएगा प्रिवेंटिव ऑफिसर कस्टम। कस्टम को अगर मैं हिंदी में बोलूं बच्चों तो ये होता है सीमा शुल्क। बेसिकली सीमा शुल्क की अगर मैं बात करूं तो कहां सीमा शुल्क लगते हैं? हमारे कोस्टल सिटीज में, यानी 11 कोस्टल सिटीज है। इसके अलावा वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहां है? अगर मैं यहां शुद्ध में बात करूं तो लिख सकता हूं टू इम्पोज कस्टम ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट या इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी हमारे होते हैं उन पे हमने कस्टम ड्यूटी एग्जामिन करते हैं। सेम एग्जामिनर भी है, कस्टम ड्यूटी के लिए ही काम करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए काम करता है, बट दोनों में अंतर ये है बच्चों
कि एग्जामिनर एक सोल अथॉरिटी है, 11 कोस्टल सिटीज में ही इसकी पोस्टिंग होती है, बट प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्टिंग कोस्टल एज वेल एज एयरपोर्ट, यानी इनकी पोस्टिंग कोस्टल तो होती ही है, एयरपोर्ट पे भी होती है। बेसिकली इनका जॉब नेचर होता है कंटेनर्स को वेरीफाई करते हैं, कितने कंटेनर्स हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के दौरान। इवन मैं बताऊं बच्चों, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को ही एक्साइज आपके प्रिवेंटिव ऑफिसर्स हैंडल करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ये हुआ, हमें पता है कि जब कोई ब्लैक मनी को इलीगल वे में वाइट मनी बनाया जाता है तो हो जाता है मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्रेफरेंसेस होगा। एक्साइज के बारे में थोड़ा चीजें आपको मैं मिस किया हूं, आप यहां जान सकते हैं कि एक्साइज इंस्पेक्टर जो यहां पे दिया हुआ है बेसिकली एक्साइज ड्यूटी के लिए काम करता है, एक्साइज डिपार्टमेंट का पार्ट है। मेन काम इनका होता है टू इम्पोज एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, यानी इंडिया में जो भी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, उनको हम हिंदी में अगर मैं बात करूं तो उत्पादक शुल्क होता है। तो उस पर्टिकुलर उत्पादक शुल्क पे आपको टैक्स देनी होती है, जिसको हम एक्साइज डिपार्टमेंट, जो सोर्सेज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस है, आपको एक्साइज ड्यूटी देनी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पोस्ट हुआ। नेक्स्ट आप आएंगे, तो बच्चों यहां पे अभी तक जो हमने प्रेफरेंसेस किए हैं 16 टोटल, मैंने आपको पहले बता दिया कि टोटल 32 हमारे पास प्रेफरेंसेस हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, एक नया पोस्ट आपको 17 नंबर पे मैं लूं तो ये है FHQ आर्म फोर्स हेडक्वार्टर। बेसिकली ये असिस्टेंट की जॉब है, आर्म फोर्स हेडक्वार्टर क्लेरिकल जॉब है। जब भी आप बेसिकली चांसेस ऑफ पोस्टिंग दिल्ली में है, यानी असिस्टेंट की जितनी भी जॉब है आपकी नॉन हैक्टिक है, डेस्क जॉब है, वन विंडो जॉब है। आर्म फोर्स हेडक्वार्टर एक क्लेरिकल की तरह काम करता है जब भी हेडक्वार्टर होता है, और ये बेसिकली आर्म फोर्स हेडक्वार्टर नाम से ही क्लियर हो रहा है कि या तो इंडियन मिलिट्री, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवल के रिकॉर्ड्स को ये आपका अकाउंट करता है, या रिकॉर्ड्स को ऑडिट करता है, या उसके सारे रिकॉर्ड्स को इवेलुएट करता है, एग्जामिन करता है, ठीक है, आर्म फोर्स हेडक्वार्टर के अंतर्गत। इस तरीके से आपका एक 18 नंबर का पोस्ट होगा, और ये पोस्ट आपका नेक्स्ट है, और ये पोस्ट के बारे में मैं आपको गाइड करूं तो ये आपका इंस्पेक्टर का पोस्ट है इन CBN। चूंकि बच्चों पता होगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स एक डिपार्टमेंट है, बेसिकली केमिकल फैक्ट्रीज की लाइसेंसिंग, ड्रग्स की लाइसेंसिंग, सारा रिकॉर्ड यही देखता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। डिपार्टमेंट रेवेन्यू है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ये डिपार्टमेंट आपका है। तो इस तरीके से आपका ये, तो आप अगर इसकी प्रमोशन की बात करें, क्योंकि ये असिस्टेंट की जॉब है तो पहले ही मैंने बता दिया कि ये सेक्शन ऑफ असिस्टेंट, सेक्शन ऑफिसर एंड सो ऑन, जो आप पहले ही लिख चुके हैं। इसकी अगर मैं बात करूं तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, इंस्पेक्टर है, ये आपका प्रमोशन होगा तो बनेगा असिस्टेंट कमिश्नर, या इसको मैं बोलूं तो इसको बोलते हैं असिस्टेंट ओपीएम ऑफिसर। ओपीएम का मतलब पता होगा आपको बकायदा, ठीक है, या असिस्टेंट नारकोटिक कमिश्नर भी होता है, है ना। ओपीएम का मतलब होता है बेटो, आप देख लेना एक बार, अफीम, अफीम जो हम यूज हम नहीं मतलब जो ड्रग्स एडिक्टेड यूज करते हैं उनके लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये इनका नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का काम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको इवेलुएट करेंगे। नेक्स्ट में अगर नंबर दूं तो आपका SIN NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, केंद्रीय जांच एजेंसी, बेसिकली काउंटर ऑफ टेररिज्म के लिए काम करते हैं। कहीं इंसर्जेंसी लग गई है, कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन है, बेसिकली काम होता है इनका टू मेंटेन द पीस एंड इंटरनल इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन बाय काउंटरिंग द टेररिज्म एक्टिविटी, ठीक है। ये टीम कब बनी थी आपको पता होगा, आपने मूवी देखा होगा 26/11 देखा होगा, एग्जैक्टली तो ये बनी थी मुंबई अटैक के बाद 2008 में, ठीक है, टू काउंटर द टेररिज्म एक्टिविटी, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब इंस्पेक्टर है, देन क्या होगा, इंस्पेक्टर होगा, आगे इसका प्रमोशन इस तरीके से, ठीक है। आगे भी आपको, चूंकि कम टाइम बच रहा है तो आगे आपका जो सेशन होगा बकायदा आपके क्लास में बड़े अच्छे तरीके से सेशन को हम अरेंज करेंगे। 20 नंबर अगर मैं बात करूं तो बच्चों आपका आएगा SI in CBI
एसआईएन सीबीआई, नाम ही काफी है। अगर मैं बोलूं तो सीबीआई के बारे में आप क्या जानते हैं? कोई? ओके, तो बेसिकली नाम ही क्लियर है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सब इंस्पेक्टर होते हैं, मस्ट लुक्रेटिव एंड प्रेफरेबल जॉब है, पावर एंड प्रेस्टीज है। तो इस पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली मैं अगर सिंपल सीधा साधा अगर आंसर दूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि एक ऐसी पुलिस, एक ऐसी मिनिस्ट्री, सब इंस्पेक्टर जो हाई लुक्रेटिव केसेस को हैंडल करता है। इट मीन्स बोल सकता हूँ कि ऑल द हाई प्रोफाइल केसेस इन विच लोकल पुलिस इज नॉट कैपेबल टू हैंडल दैट, विच विल ट्रांसफर टू द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन टीम। ठीक है, तो हाई प्रोफाइल केसेस आपको पता भी है, हाई प्रोफाइल केसेस कौन से होते हैं। तो इस तरीके से आपका ये पोस्ट होगा, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई। अगर ये प्रमोट होगा तो इसके बाद होता है इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के बाद हो जाएगा सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, देन इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के बाद ये हो जाएगा डिप्टी सुपरिटेंडेंट, और इसके बाद आपका डिप्टी सुपरिटेंडेंट एक प्रमोट होता है तो आपको ये एडिशनल सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट हो जाता है। तो इस तरीके से आपका पोस्ट एसआईएन सीबीआई हुआ। ठीक है, तो रैप कर दूं। ठीक है, आगे आपके क्लास में एक पोस्ट प्रेफरेंस की क्लासेस रखी जाएगी जब आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इस तरीके से हमने देख लिया अब तक जितनी भी पोस्ट है ग्रुप बी और ग्रुप ए के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, लास्ट जो आपके कुछ पोस्ट इस साल 2017 के सीजीएल में ऐड किए गए हैं, न्यू पोस्ट में मैं अगर बोलूं तो ये है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, जिसके बारे में हमने पहले ही जान चुके हैं, इसकी प्रमोशन एस्पेक्ट्स क्या है, ग्रेड पे एंड ऑल। एक और पोस्ट ऐड किया गया, बकायदा आप इनका कोड भी देख सकते हैं, इन तरीके से आपका डॉलर है, एंड का है, ग्रेटर और लेस, इस तरीके से इनके अलग अलग कोड्स भी दिए गए हैं। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंतर्गत आता है, एक नया पोस्ट आपका ऐड किया गया है इस साल में। असिस्टेंट इन अदर मिनिस्ट्रीज के नाम से ही दो पोस्ट 4600 ग्रेड पे के अकॉर्डिंग आपको ऐड किया गया है। तो बकायदा मैं बता चुका हूँ कि जितनी भी आपकी 4600 ग्रेड पे की जॉब है और जो भी जॉब असिस्टेंट की है, बकायदा वो प्रमोट होने के बाद सेक्शन ऑफिसर होते हैं, सेक्शन ऑफिसर्स के बाद जो आपका प्रमोशन एस्पेक्ट्स है, इस तरीके से चलते रहता है। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा आपका न्यू पोस्ट हो गया। ग्रुप सी की बात करूं तो आपको पहले से भी पता है कि एक पोस्ट होता था स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर का, उसी का पार्ट है ये जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स, जिसकी अपर एज लिमिट की बात करूं तो हाईएस्ट सीजीएल की हाईएस्ट एज वाली जॉब है, एज 32 इयर्स तक इनकी होती है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का। जॉब नेचर की बात करूं तो आपको पता होगा हर एक 10 साल में सेंसस होता है, जनगणना, मोर्टेलिटी, चाइल्ड रेशियो, ये सारी चीज की सेंसस कंपाइल करते हैं, हर एक पर्टिकुलर स्टेट्स की लिटरेसी क्या है इनका कंपाइल किया जाता है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के द्वारा। सेकेंड चीज ये है बच्चों कि पर्टिकुलरली इस पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि अपर एज लिमिट 32 इयर्स होती है और ये ग्रुप सी में रखा गया है और इसकी ग्रेड पे भी 4600 है, और इस पोस्ट के लिए आपको अलग से टीयर 3 के अंतर्गत एक पेपर देना होगा स्टैटिस्टिक्स का, स्टैटिस्टिक्स का पेपर देना होगा आपको। 100 क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपके 200 मार्क्स होते हैं, यानी टोटल में बात करूं तो टीयर 1 टीयर 2 में पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 मैथ्स इंग्लिश स्टैटिक्स डिस्क्रिप्टिव पेपर टोटल लेने के बाद आपका ये पेपर टोटल 900 का होता है, टोटल 900 मार्क्स। इस तरीके से आपका ये पोस्ट खत्म हो गया। ठीक है, दो तीन पोस्ट आपके ऐसे हैं जो 900 के होंगे, आपको बता दूं, एक है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर और एक आपका जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो आपके पोस्ट अब रिमेनिंग बचे हुए हैं उनका मैं नाम दूंगा ग्रुप डी, जो ग्रुप डी के अंदर इस पर सीजीएल ने उनको रखा है। ठीक है, हालांकि पोस्ट ग्रुप सी के हैं, ग्रुप डी उनका उनका सब डिवीजन है। ठीक है, इसमें आपके ऑडिटर के जॉब होते हैं, ऑडिटर जो 2800 ग्रेड पे काम करते हैं, और इनका नाम आप दे सकते हैं सी ग्रेड जॉब, या आप बोल सकते हैं नॉन इंटरव्यू पोस्ट, NIP इनको बोला जाता है, नॉन इंटरव्यू पोस्ट। ठीक है, ऑडिटर इन कैग,
कंपट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये ऑडिटर इन कैग होंगे। अब बच्चों एक चीज और आपको क्लियर कर दूं, यही ऑडिटर अगर प्रमोट होगा ना तो ये हो जाएगा सीनियर ऑडिटर इन कैग, और यही ऑडिटर प्रमोट होगा तो ये आपका हो जाएगा नेक्स्ट प्रमोशन के बाद डबल है वो जो आपका सीसीएल इस बार डायरेक्टली दिया है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। तो इस तरीके से आपका प्रमोशन एक्सपेक्ट हुआ किसका, ऑडिटर का। तो बच्चों ये सारी चीजों को ऑडिटर के द्वारा हमने जाना कि आप डायरेक्टली एक तो डबल ओ की एग्जाम से ऑडिटर बन सकते हैं, दूसरा आप डिपार्टमेंटल एग्जाम से यानी डबल ओ जो आपका ऑडिटर है इन कैग इसके थ्रू भी आप बन सकते हैं। सेकंड है आपका ऑडिटर इन सीजीटी है, दैट इज कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट। बेसिकली डिफेंस के अकाउंट्स को डील करता है, डिफेंस यानी मिलिट्री एयरफोर्स और नेवल के अकाउंट्स को ऑडिट करता है, ऑडिटर इन सीजीटी है। प्रमोशन सिम है आपका। थर्ड है आपका ऑडिटर इन अदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, 2800 ग्रेड पे ही काम करता है ये भी, ऑडिटर इन अदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, ठीक है। इस तरीके से आपके ऑडिटर के जॉब हो चुके हैं। प्रमोशन की बात करूं तो ये ऑडिटर प्रमोट होने के बाद बनेगा सीनियर ऑडिटर, देन आपका सीनियर ऑडिटर से बन जाएगा डबल है वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। तो इस तरीके से तीन पोस्ट हमने कर लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो आपका आएगा अकाउंटेंट। बच्चों अकाउंटेंट भी, या इसका नाम कभी कभी आपको मैं बताऊं तो जूनियर अकाउंटेंट भी दिया रहता है। तीन डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं ये भी, एक कैग हो गया आपका, एक अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट जो है आप बोल सकते हैं इनको सीजीडीए के लिए भी काम करता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, ठीक है। और थर्ड आपका अकाउंटेंट या जूनियर अकाउंटेंट आपका होगा नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अदर मिनिस्ट्री के लिए, हालांकि ये सीजीए होता है बट सीजीए को इस बार इन नोटिफिकेशन में अपडेट नहीं करा है। तो इस तरीके से अकाउंटेंट हो गया। और चूंकि बच्चों आपको पता होगा एक पोस्ट ऐड हुई है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की, चूंकि अब मैं अकाउंटेंट की बात कर रहा हूं तो अकाउंटेंट प्रमोट होगा तो ये बनेगा सीनियर अकाउंटेंट। सीनियर अकाउंटेंट प्रमोट होगा बच्चों तो ये बनेगा आपका डबल है वो, यानी असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, यानी अकाउंट से प्रमोट होगा तो अकाउंटेंट ऑफ असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर बनेगा। ऑडिटर से दो प्रमोशन के बाद असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बनेगा। बेसिकली इनके लिए मैंने आपको पहले भी बता चुके हैं कि इनके लिए आपको एसएएस की एग्जाम्स को क्वालिफाई करना पड़ता है ट्रेनिंग के बाद, दैट इज सबऑर्डिनेट ऑडिट सर्विस सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विस, ठीक है। इस तरीके से आपका पूरा ये अकाउंटेंट हो गया, यानी मैं बोलूं तो आपका अब 2800 ग्रेड पे की जो भी नॉन इंटरव्यू जॉब है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। इसके अलावे आप नेक्स्ट बढ़ेंगे वो जॉब जिसकी ग्रेड पे 2400 है, जो ग्रुप डी के अंदर ही है, और 2400 की ग्रेड पे ये सारे जॉब्स हैं। जैसे अब मैं बोलूं तो आपका जॉब है एक टैक्स असिस्टेंट, आपने पता होगा इन सीबीईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, जिसकी ग्रेड पे 2400 है। मैंने पहले ही बताया था कि इसकी वैकेंसी अभी अपडेट नहीं करी गई है, और ये सीबीईसी के लिए काम करते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, ठीक है। प्रमोशन के बाद ये सीनियर टैक्स असिस्टेंट बनेंगे इन सीबीईसी, देन आपका या तो बनेंगे ये एक्साइज इंस्पेक्टर, या तो एग्जामिनर, या तो प्रिवेंटिव ऑफिसर्स, क्योंकि पहले ही बता चुका हूं आपको कि एक्साइज एंड कस्टम बेसिकली एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर्स, और आपका जो है थर्ड एग्जामिनर, इनके लिए काम करता है। तो प्रमोशन के बाद भी, दो प्रमोशन के बाद ये सेम डिपार्टमेंट को जाएंगे। नेक्स्ट इज टैक्स असिस्टेंट इन सीबीडीटी, पहले ही बता चुका हूं आप बच्चों कि इंसिडेंट और इम्पैक्ट ऑन द सेम पर्सन, दैट इज सोर्सेज ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके अंतर्गत आता है। तो टैक्स असिस्टेंट 2400 के ग्रेड पे होते हैं। प्रमोशन के बाद क्या होंगे, ये सीनियर टैक्स असिस्टेंट, देन आपके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर यानी आईटीआई। इन दोनों के लिए आपको डेटा, इसको टेस्ट हम बोलते हैं, डेटा एंट्री स्किल टेस्ट की जरूरत होती है, यानी क्वालिफाई करना पड़ेगा टीयर 4 में, ठीक है। नेक्स्ट आपका बोलूं तो आपका है यूडीसी अपर डिविजनल क्लर्क। इस अपर डिविजनल क्लर्क को सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट भी बोला जाता है, जो ग्रुप सी का जॉब है, ठीक है।
और इसके अलावे नेक्स्ट आपका एक जॉब बचा सब इंस्पेक्टर इन सीबीएन, एसआई इन सीबीएन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। तो पता है मैंने पहले ही बताया है कि अगर आप एसआई इन सीबीएन है तो प्रमोट होने के बाद एसआई इन इंस्पेक्टर इन सीबीएन होंगे और इसके जस्ट बाद आप ओपीएम ऑफिसर्स हो जाएंगे, असिस्टेंट कमिश्नर आप हो जाएंगे, असिस्टेंट कमिश्नर इन नारकोटिक्स। इस तरीके से आपका प्रमोशन होता है, ठीक है। तो ये पूरा आपका ग्रुप डी का, ग्रुप डी के अंतर्गत ग्रुप सी का जॉब है जिनकी ग्रेड पे 2800 और 2400 आपकी होती है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने पोस्ट प्रेफरेंस की क्लासेस को कंप्लीट किया, बट छोटी सी एक डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं। कि वो सारे कैंडिडेट जिनको लगता है कि वो कलर ब्लाइंड है, कलर ब्लाइंड कैंडिडेट आर एडवाइज नॉट टू फिल दिस पोस्ट। इस पोस्ट को नहीं भरेंगे। पहला पोस्ट है आपका यहाँ पे एसआई इन सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कलर ब्लाइंड इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। इसके बाद होगा आपका एसआई या इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, कलर ब्लाइंड नॉट एलिजिबल। एसआई इन एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, कलर ब्लाइंड इसके लिए भी एलिजिबल नहीं होते हैं। इसके बाद अगर मैं आपकी पोस्ट की बात करूं तो एक है आपका असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स, कलर ब्लाइंड इसके लिए भी आपके एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये सारी जॉब्स हैं जिनके लिए कलर ब्लाइंड कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होते हैं। कुछ ऐसे जॉब हैं जिसमें फिजिकली हैंडीकैप्ड एलिजिबल नहीं होते हैं, तो बाकायदा आप इनको देख सकते हैं एक बार। मैं बोलूँ तो असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर पोस्ट नॉट आइडेंटिफाई सूटेबल फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट। और भी कुछ पोस्ट्स है बकायदा आप नोट कर सकते हैं। एसआई इन सीबीएन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, इंस्पेक्टर सीबीएन कलर ब्लाइंड एलिजिबल नहीं है। एसआई इन एनआईए एनआईए और बच्चों इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट जो पोस्टल डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के लिए इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट पोस्ट्स। और एक आपका एसआई इन सीबीआई, ये सारी जॉब जो है कलर ब्लाइंड फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। कलर ब्लाइंड के लिए मैंने आपको दे दिया, बट एक मिसिंग है एसआई इन एनआईए, इसमें लिख लेना ये कलर ब्लाइंड और ये पोस्ट नॉट आइडेंटिफाई सुटेबल फॉर पीएच, पीएच मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट इसको अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका पोस्ट प्रेफरेंस के क्लासेस हमने कंप्लीट कर लिया। थोड़ी चीजें और है जो एक मिनट में क्लियर कर दूं। किसको हम बोलते हैं पीएच? तो सारे कैंडिडेट जिस जो इस कैटेगरी में आते हैं, वन लेग वन आर्म वन लेग बोथ लेग ब्लाइंड पार्शियली डेफ डेफ विजुअली हैंडीकैप्ड हियरिंग हैंडीकैप्ड और मैं बोलूँ तो इस तरीके से वो सारे कैंडिडेट जो हैं फिजिकली हैंडीकैप के कैटेगरी में आते हैं। मैं एक एग्जांपल लूँ, जिस पोस्ट की एज 30 है तो उसमें इनको 10 ईयर्स का एक्सटेंशन मिल जाता है, 10 ईयर्स जनरल के लिए अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे कि आप पीएच हैं? तो आप सीएमओ जो आपका चीफ मेडिकल ऑफिसर है उसके द्वारा आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएंगे जिसमें आपका 40% या इससे ज़्यादा आपका हैंडीकैप कैटेगरी होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपके बेहतर भविष्य के लिए पैरामाउंट और भी बहुत सारी वीडियोस को फ्यूचर में अपलोड करेगा और आप डायरेक्टली हमसे लिंक करेंगे। आगे कोई भी डाउट होगा तो हम आपके साथ हैं। फ्यूचर में भी आपको पोस्ट प्रेफरेंस की क्लासेस मुहैया कराई जाएगी। आपको आपके फ्यूचर के लिए पैरामाउंट फैमिली की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। जो बच्चों आज हमने पोस्ट प्रेफरेंस के क्लास में जो आपका अरेंज किया गया था पैरामाउंट मैनेजमेंट टीम की तरफ से 2017 के लिए, तो हमने देखा कि ओवरऑल पोस्ट प्रेफरेंस किस तरीके से काम करता है, ग्रेड पे क्या है, एंड अल्टीमेटली हमने एक फाइनल कंक्लूजन निकाला कि हमें इनको किस तरीके से रीअरेंज करना होगा। तो बच्चों इनको हमने तीन पार्ट में कैटेगराइज किया है, तीन पार्ट। यानी मैं फर्स्ट को लूं तो ये आपका एबीसीडी के फॉर्म में है, जिसे मैं बोल सकता हूँ पहले भी आपको क्लियर हो चुका है कि ए फॉर द ग्रुप बी जॉब जो आपका गैस्टेड है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए है। इसकी प्रायोरिटी हमने फर्स्ट रखा है क्योंकि ये सबसे अधिक ग्रेड पे वाली जॉब है
और एक गैजेटेड पोस्ट है। अगर आप इसके डिजायरेबल क्वालिफिकेशन को मीट करते हैं आपके पास, तो आप गो फॉर दैट प्रेफरेंसेस। बी आपको रखा गया है अकॉर्डिंग टू द ग्रेड पे, 4800 के बाद आपका जो बी है 4600 ग्रेड पे के अकॉर्डिंग, इसको दो नंबर पे हमने रखा है। सी चूंकि पता है बच्चों आपको एक ही पोस्ट है जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर, जिसके लिए हमने सी रखा है जिसकी ग्रेड पे 4200 है। और ये लास्ट आपका रखा गया है ग्रुप डी, यानी आपका वो सारा जॉब जो नॉन इंटरव्यू पोस्ट है जिसकी ग्रेड पे 2800 और 2400 है। तो इस तरीके से आपका ये पहला ऑर्डर होगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको अपना करियर सीजीएल में अच्छा करना है, इकोनॉमिकी गवर्नेंस पे आपका अच्छा कमांड कर सकते हैं आप आगे चल के, तो गो फॉर द एबीसीडी फॉर्म। ठीक है, ये आपका प्रेफरेंसेस है अकॉर्डिंग टू द ग्रेड पे, हाईएस्ट टू लोवेस्ट। दूसरे नंबर की मैं बात करूं तो बीएडीसी है उन सारे बच्चों के लिए जिनको लगता है कि उनको यूनिफॉर्म जॉब चाहिए। जैसे कि हमने देखा एक साइज में यूनिफॉर्म जॉब है, प्रिवेंटिव ऑफिसर्स यूनिफॉर्म जॉब है, व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म होती है। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर द यूनिफॉर्म जॉब देन गो फॉर द बीएडीसी। इट मींस कि आप या तो एक्साइज इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, इनकम टैक्स बनना चाहते हैं, तो आप इस ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने ए को रखा है। अगर आपको लगता है कि ए को बाद में रखना चाहिए इनकम टैक्स के बाद, तो आपका प्रेफरेंसेस बी ए। और डी चूंकि आपको पता है हमारा जो नॉन इंटरव्यू पोस्ट है उसके लिए हमने रखा डी। और लास्ट जो आपका प्रेफरेंसेस होगा दैट इज सी। सी को हमने लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि हमें पता है कि आपका जो पोस्ट है जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर, इसके लिए आपको एडिशनल में स्टेटिस्टिकल का पेपर देना होता है। यू मस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स इसको नहीं डालते हैं, इसलिए हमने इसको लास्ट में रखा। अगर आपकी चॉइसेस नहीं है तो आप इसको गो फॉर द लास्ट। ठीक है, लास्ट हमने थर्ड को दिया है एबीडीसी। फिर हमने वही बात किया कि आपका ए वही पोस्ट है जिसकी ग्रेड पे 4800 है फॉर द डबल ए ऑडिट और अकाउंट, बी इनकम टैक्स एक्साइज प्रिवेंटिव जो मैंने पहले ही बता दिया था आपको, 20 पोस्ट बी के अंदर आती है, ए के अंदर 2 पोस्ट है आपके, डी के अंदर 9 पोस्ट है आपके, जो आपके एनआईपी पोस्ट बोलते हैं इनको, नॉन इंटरव्यू पोस्ट, इन दोनों को हम बोलते हैं आईपी पोस्ट, इंटरव्यू पोस्ट, यानी जिनकी ग्रेड पे ज्यादा है। और सी आपका स्टेटिस्टिकल के लिए अकेला पोस्ट है। इस तरीके से हमने ऑर्डर अरेंज किया है कि अगर आपको लगता है कि डबल ए में करियर आपका अच्छा है, आप आगे इकोनॉमिक गवर्नेंस के पेपर क्रैक कर सकते हैं, फाइनेंस अकाउंट में आप अच्छा कर सकते हैं, बी सेम इनकम टैक्स, डी हमने इसलिए रखा है कि अगर आपको लगता है कि हमें नॉन इंटरव्यू पोस्ट चाहिए स्टैट से पहले, आप इसको अरेंज कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर ऑर्डर हुआ। तो इस तरीके से आप इस चीज को अरेंज करेंगे। सबसे बड़ी बात है ना बच्चों कि हम सिली मिस्टेक्स करते हैं फॉर्म फिलिंग के समय। अल्टीमेटली अब आपको मैं बता दूं कि अगर आप किसी एक रीजन से फॉर्म भरते हैं ना, तो बकायदा आप एक ही रीजन से फॉर्म भरेंगे। अगर आपने रीजन चेंज किया तो फाइनली आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, योर फॉर्म वुड बी गेट कैंसिल्ड। सो बेटर कि आप एक रीजन से फॉर्म भरें, क्योंकि आपका डिटेल्स अगर आपने सीपीओ के फॉर्म भरे हैं या और कोई एसएससी की रिगार्डिंग फॉर्म भरे हैं, तो आपका ये डिटेल्स ऑटोमेटिकली ऑटोफिल हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है बच्चों, वो अब काउंट किया जाएगा 1 अगस्त से पहले, 1 अगस्त 2017 से पहले आपका डेट ऑफ बर्थ काउंट किया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एस और आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विल रिमेन सेम, यानी फाइनल ईयर के स्टूडेंट अगर हैं जिनकी डिग्री 1 अगस्त से पहले आ जाती है और उनका एज 1 अगस्त से पहले हो जाता है जो सीजीएल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग दिया गया है, तो इस एग्जाम में बैठने के लिए वो एलिजिबल है। ये सारी इंफॉर्मेशन है। बेसिकली आपको ध्यान देना है कि आप फॉर्म में कोई मिस्टेक ना करें। रीजन एक ही होगा, 2 रीजन ऑप्ट नहीं करना है, इस केस में आपके फॉर्म कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और बस ये सारी गाइडलाइंस आपको आज दी गई यहाँ से, है ना। आपके फ्यूचर के लिए पैरामाउंट मैनेजमेंट टीम की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में बहुत सारे सक्सेस के पॉइंट को अचीव करिए। थैंक यू सो मच।